शादी.com पर प्रोफाइल में विवाहित व एक बेटी का पिता होने की बात छिपाकर एक युवती से शादी करने वाले आरोपी के खिलाफ सकरतरा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी शहनवाज खान उर्फ साजिब अली करीम अली है। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पर विविध धाराओं के तहत साथी सहतारा चार दहेज प्रतिबंधन कानून के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार 28 वर्षीय युवती ने शादी.com पर 9 फरवरी 2021 को अपनी प्रोफाइल अपलोड की थी। युवती की प्रोफाइल देखकर आरोपी शहनवाज खान और शाजिब अली करीम अली इमामई पिरगेट भोपाल मध्य प्रदेश निवासी ने उसे फोन किया। आरोपी शहनवाज ने युवती को बताया कि वह डॉक्टर है, लेकिन खुद शादीशुदा होने व एक बच्ची के पिता होने की बात उससे छिपा कर रखी और युवती से शादी कर ली। लेडीज आए कि शादी.com वो साइड पे एक आदमी की पहचान हुई, तो उन्होंने उसका प्रोफाइल डॉक्टर करके डाला था। तो उसकी एक दूसरे के साथ पहचान हुई, फिर बातचीत हुई शादी की, और बातचीत होने के बाद एक दूसरे को आना जाना देखना होगा। इसके बाद में उनकी 6 जून को शादी हो गई। शादी होने के बाद वो अपने भोपाल जहाँ लड़का रहता है वहाँ पे वो चले गए, लेकिन घर में जाते गई नहीं, लेके नहीं गया वो लड़का। उसके अलावा वो होटल में रुका था, तो लड़की को पता चला क्यों, तो इसमें लड़की को पता चला कि उसकी पहली शादी हो चुकी है और ये उसको एक बच्ची भी है पहली, तो वो बात उसने छुपाया था। और वो बात में पता चला उनको कि वो डॉक्टर भी नहीं है, ऐसा ये करके फिर वो पैसा का कुछ पिताजी से पैसे लेके आता वो करके या लेके आओ करके उन्होंने बोला था। तो यहाँ आए, आने के बाद में पूरा उसका राज खुल गया, तो उन्होंने यहाँ कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट के आधार पर गुना दाखिल किया, वो लड़के को हम लोगों ने ये अरेस्ट किया है और आगे की जाँच चालू है। आरोपी का नाम है शहजाब अली करके है, 31 साल उसका नाम है, 31 साल का है। और डॉक्टर विक्टर कुछ नहीं, वो एक्चुअली ऑटो डील का काम करता है भोपाल में, एक जगह पे जैसा पुरानी गाड़ी खरीद के बेचना। लेकिन उसने खुद ने डॉक्टर करके बोला था और उसको ऐसा चीट किया करके हमने गुनाह दाखिल किया है, आगे की जांच चालू है। शादी के समय युवती के पिता ने आरोपी को हार व अंगूठी सहित करीब 85,000 रुपए का सामान दिया था। युवती को जब शाहनवाज शादीशुदा होने की बात पता चली तो उसने शाहनवाज से जवाब मांगा। उस पर आरोपी ने युवती को मारी और खुद को भी खत्म कर देने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोपी शाहनवाज खान के खिलाफ सकरतरा थाने में शिकायत की है। उप निरीक्षक लोखंडे ने शाहनवाज खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।